बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज दो बहुत ही शानदार मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। पहले जो मेरे मेहमान हैं वो बिला मुबालगा करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। आप एक्टर हैं, होस्ट हैं, मॉडल हैं और मुस्तकिल पिछले 15 साल से नौजवान चले आ रहे हैं। वन एंड ओनली बिलाल कुरैशी, वेलकम टू द शो बिलाल। और अच्छी बात यह है कि भाई मेरे भी बहुत सारे प्लेस में बिलाल ने काम किया है, मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है और बिल्कुल हमारे छोटे भाइयों की तरह है। क्या बात है, छोटे भाई मगर काम इनके बड़े। और वसी शाह के लिए एक ही बात जबरदस्त। दूसरी जो हमारी मेहमान है उनका कमाल ये है कि बहुत ही खुद एतमादी के साथ ये रोड शो करती हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल जो शायद हमारे यहाँ मर्द हजरात जो हैं वो भी नहीं पूछ पाए पब्लिक से, वो ये पूछ लेती हैं। वाह, ये इनका कमाल है। और पंजाबी जुबान से इन्हें मोहब्बत है, पंजाबी जुबान में ये बात करना पसंद करती हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं अबीरा खान। तमीज अगले उठ के खुलो गए फंबल। ये ऐसे ही जाएगा। तो अबीरा ये बताइए कि बिल्कुल ही आप यानी कि उर्दू में किसी और जुबान में बात नहीं करती है या किसे किसे वेले कर भी लेते हो? सर मैं उर्दू च बोलना ना ते हुन मतलब बहुत सारे लोग यही कहंदे तू उर्दू ना बोली दोबारा तू पंजाबी बोल। अच्छा, लेकिन अगर मैं तुहानू कहां कि तुसी जरा उर्दू च गल करो और तुसी सानू दसो कि बिलाल साहब दे किहड़े किहड़े ड्रामे तुसी देखे ने और बिलाल साहब तुहानू कैसे लगदे ने, जरा उर्दू च बयान करो। नहीं सर वाकई अच्छा उर्दू सर आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और मैं डर डर के इसलिए बैठी हूँ कि आपकी बुड्ढी ना आपको कुट कुट दे तो इसलिए ना। सर दे काम बहुत वधिया, इतनी देर में उर्दू नहीं बोल सकदी, मेरा मुंह विंगा हो जाना सर। पंजाबी सही है। वैसे मेरे ख्याल से भी जो तारीफ पंजाबी में की जाती है ना और जो गालियां भी पंजाबी में दी जाती हैं वो उर्दू में दे ही नहीं पाते। लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आपने कभी गाली दी होगी? नहीं, हंसे हंसे से निकल ही जाएगी। सर वो मेरे ख्याल से ये सभी करते हैं लेकिन ये अच्छी बात है कि कंट्रोल्ड हैं, कंट्रोल्ड बहुत ज्यादा। गाली दिल से बजाते हैं, गाली दिल से नहीं बजाते। वाह, वेरी गुड। तो ये वीरा जी फिर जरा हुन तुसी पंजाबी तारीफ कर दियो अपना बिलाल साहब दी। बिलाल साहब बहुत वधिया, डरो ना बेगम ने कुछ नहीं कहंदे। हां नहीं, एक्टर ने वधिया सोने ने ते किन्ने को सोने ने किन्ने सोने। हां ओए कहंदे दसा मैं ए कंच दस दियो, कंच दस ओना दे कंच ना दसना। नहीं बहुत सोने लगदा ही नहीं कि जमाई व्याह होने आ ना, उम्र भी निक्की जई लगदी इंज लगदा स्टूडेंट ने। स्टूडेंट ने किन्नी उम्र लगदी बिलाल दी? 24 साल ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕਿਦੀ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23+24 ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਚਣਾ? ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਹੈਂਸਮ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਵਾਹ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚ ਵੱਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਏ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਬਾ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ? ਕੀ ਹੈਗਾ ਯਾਦ? ਇਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਣਾ, ਸਿਆਪਾ ਪਾਣਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਆਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਆਪਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਪਾ, ਆਵਾ ਸਿਆਪਾ। ਅਬੀਰਾ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਪਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਸਿਆਪਾ, ਹਾਊ ਡਸ ਇਟ ਫੀਲ? ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੁਢਾਪਾ, ਆਪਾ, ਬੁਢਾਪਾ, ਆਪਾ, ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ। ਵਾਹ,
बिलाल आपके बारे में ये बड़ा मशहूर है कि भाई बिलाल बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान है, ये इतना ज्यादा मशहूर है कि यकीन ही नहीं आता कि यार इतना आदमी को शरीफ भी हो सकता है। सर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा जो आप कह रहे हैं कि मैं शरीफ मशहूर हूँ। अगर आप शरीफ नहीं हैं जी तो फिर क्या है? तो वसी शाह यानी कि जबरदस्त फिर इंतहाई शरीफ शरीफ। वो तो आज आपकी जैकेट देख के भी लग रहा है कि फौरन आज आप जैकेट पहन के यार मैं अपने बेटे की जैकेट पहन के माशाल्लाह अच्छी लग रही है, स्मार्ट लग रहा है। थले एक हैवी बाइक की कमी। आपसे ये पूछना था आपकी उम्र क्या भाई? मेरी यानी कि मैंने तो इनको बचपन से ऐसे ही देखा है, इस पे भी जरा तालियां होनी चाहिए। क्या वसी शाह, जब भी हमने वसी शाह को देखा ऐसा ही देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंडिया में अनिल कपूर और यहाँ पे वसी शाह, बिल्कुल उम्र चोर है जी। क्या सर राज क्या है इसका? इस बात का दूसरा मतलब ये होता है कि भाई जान आप ये समझ लें कि अब आपकी एज जो है वो हो रही है। यू लुक फिट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने सारे आपने प्लेस किए, इनमें सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सा ड्रामा था? सर मेरा हर काम मेरे दिल के करीब होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो वाकई आपको लगता है कि इसने दिल में एक खास जगह बना ली है। जैसे ए दिल तू बता, दिल का ही नाम है उसमें, उसमें मेरा कैरेक्टर था अजान और मुझे लगता है वो मैं ही हूँ, तो मुझे उसमें एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ी। आई वॉज माई सेल्फ, वेरी नेचुरल, वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी लाइवली, रोता भी था, बड़ा जज्बाती सा। वो एक मेरे बड़े करीब है दिल के। एक था मेरे जीने की वजह, उसमें मैं पैरालाइज हो जाता हूँ, व्हीलचेयर पे आ जाता हूँ, इट्स अ लिटिल सैड स्टोरी। और कौन सा ऐसा प्ले बिलाल जो आपको रिग्रेट होता होगी यार काश ये ना किया होता? काश मैं तेरे हंसी हाथ का करूं। नहीं मैं ये तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं ये नहीं, ये तो खैर हमारे लिए बड़ा, इसने तो बड़े लोगों को बड़ा जी जी समझ गया, समझ गया, मिला समझ गया, मैं वही कहना चाह रहा था। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या? अरे जोड़ा है यार इसने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जोड़ दी है जी, बिल्कुल आपने ऐसा जोड़ा है, मैं कहता हूँ कमाल। सारे शादीशुदा लोग आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी कौन सा ऐसा प्ले जिस पे रिग्रेट होता हो? सर जिसमें पेमेंट्स लेट मिली हैं। यानी कि काफी ज्यादा, यानी कि काफी सारे, यानी कि तकरीबन सारे ही। अच्छा जो हमारे मेल एक्टर्स होते हैं उनको लाज बात है रोमांटिक सीन्स करने पड़ते हैं। आई लव टू डू सर। है ना, आप तो को तो मोहब्बत है, नहीं वो तो जो बेगमात हैं उनकी क्या राय होती है? बात करते ना हाथ भी थामना पड़ता है बाजूकात, ये खास एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं तो कभी इतराज़ होता है बेगम साहब का? वेल आई एम वेरी लकी इन टर्म्स के माय वाइफ बिलोंग्स टू द सेम फील्ड, सेम प्रोफेशन, वो भी एक्टर हैं और शी नोज एग्जैक्टली द नेचर ऑफ जॉब, ये काम कैसा है और क्या है। मुझे शायद आदत है बचपन से लड़कियों से प्यार करने की, आई मीन इन माई रियल लाइफ आई बीन वेरी कह जाइए आदत। हाँ आदत नहीं कहना चाहिए इसको, क्या कहना चाहिए भाई, बचाओ। जरूरत जरूरत जरूरत, काम की जरूरत है सर, मैं मजदूर आदमी हूँ। ये खुशकिस्मती कि मेरी मजदूरी, मेरी मजबूरी ये है कि मुझे हाथ थामना पड़ता है और फिर मैं कहता हूँ कि काश मैं तेरे हंसी हाथ। तो वो सर ये मजबूरी जो है ये मजदूरी बन जाए तो यू आर द लकी वन। नहीं बेगम की तरफ से कभी कोई एतराज नहीं, कभी कोई एतराज नहीं, क्योंकि कभी कहो कभी जैसे तुमने उसको देखा है या जिस तरीके से हाथ पकड़ा था या ये सीन तो दूर से भी हो सकता था, कभी कोई ऐसा जितनी मोहब्बत शिद्दत से मैं अपनी बेगम से इजहार मोहब्बत करता हूँ उनका, वैसे ही आप वैसे किसी और का नहीं करता, इसलिए उनको कभी शिकायत नहीं। तालियां बनती हैं इस बात पर। तो कभी आज तक शक नहीं हुआ? नहीं नहीं मैंने बड़ा सेफली खेला। अच्छा अच्छा ये बताइए कि आप पे कुछ लोग ये इल्जाम भी लगाते हैं कि जेड़े सवाल मुंडे भी नहीं कर सकते मुंडियां, तो वो तुसी कर लेंदे हो मुंडियां को? ये साड़दे या थाने की दस्ता मेरे में तो साड़दे हो ये या गन्ना करदे या? हाँ। नहीं एक्चुअली ना मेरे वांगू ना दो कुड़ियां होर उठियां सी पंजाबी दे विच ना, सो लोगों को लगता वा कि अगर तुसी जल्दी वायरल होना ना तो कुछ अनोखा करो या गंद फैलाओ इंज दा हुंदा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਓਨੀ ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇਖਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। कंटेंट है जिदा वा कि अगर मियां बीवी भी आ गए जिस तरह एक गल कर रहे से ना, अगर मैं
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਪੁਆੜਾ ਪੱਕਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾ ਪਾ ਦਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪ ਇਧਰ ਆ ਜਾਈਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਂ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਕਾ ਇੰਡੋਰ ਸ਼ੋਅ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਉਸ ਕੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਂ ਚਲੇ ਅਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀਰਾ ਕਰੀ ਵਾ ਨਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਕਿ ਡਿਸਫਾਈਨਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਦਲਵਾਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾਈਸ ਸਰ कितनी देर तो चाह रहे सर मैं एक्चुअली आप तीनों को ही बताना चाह रहा हूँ कि जब वापस आएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे तो जनाब चार्ज ले लिया अबीरा जी ने हाँ जी छोटे वक्त के बाद आप साथ हैं आप देख रहे हैं जबरदस्त वेलकम बैक नाज़रीन जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद और अब हम आपके सामने एक एक्ट जो है वो लेकर आए हैं बिलाल जो है वो हस्बैंड है और नजफ जो है ये इनकी वाइफ है ठीक है जी और बेपना मोहब्बत है बेपना कंपेटिबिलिटी है बेपना एतबार है दोनों के दरमियान नजर आ गया उन्होंने उठन तो क्या बात है और जनाब हमारी नज्म से इन दोनों की मोहब्बत का आगाज हुआ था कंगन से ठीक है जी मगर हूँ अबीरा जड़ी है ना जी ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਾ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਗਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਰਬ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਹੋਣਾ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਿਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰਾ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਪਰ ਨਾਮ ਸ਼ਫਾਕ ਸ਼ਫੀਕ ਇੰਜ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਸੇਜ ਮੂਸੇਜ ਫੜੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ देखे जी मेरी बीवी मैं इसीलिए कहता हूँ एक हो नेक हो मेरी बीवी मुझ पर शक नहीं करती आप चाहे कुछ तुम भावे कुछ भी कर लो उन्होंने नहीं शक करना ओ करे ना करे करके जाए अच्छा बीवी एक आपकी एट अ टाइम का जी जी बिल्कुल अच्छा बेहतरीन मैं डिफरेंट शोज में डिफरेंट यू नो मैं शादी आपकी एक ही है सर जी सर मैं डराओ ना मैं कॉन्फिडेंस वैसे ही दे रहा हूँ वैसे मैं बहुत डरता हूँ बीवी जी जी एक आप वैसे एक शादी के हक में इन्हीं के हैं या जी मैं बिल्कुल एक शादी के हक में अच्छा दूसरी शादी के हक में नहीं है आप दूसरी शादी के हक में नहीं दूसरी शादी बाय चांस हो जाए तो ठीक है हक में नहीं 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 मैं मजाक कर रहा हूँ मैं एक शादी के हक में बाय चांस भी एक शादी ही रहनी चाहिए और शादी एक ही होती है बस खत्म बहाने बहाने ना इशारा करा रहे थोड़ी बुड्ढी ने मैं पैगाम दी थी बहाने बहाने ना इशारा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बुड्ढी नहीं है शी इज वेरी यंग माशाल्लाह बार बार बुड्ढी कह के उन्होंने कहना कि एंड शी इज नॉट पंजाबी ना मेरी बेगम पंजाबी नहीं है ज्यादा मुश्किल हो जाए पंजाबी कॉमेडी फिल्म होती है तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है साथ साथ के अब इस पे ही ना आ जाए कि भाई वो आपकी जो को एंकर थी वो बुड्ढी क्यों कह रही है लेकिन आज मैं लग रहा तुम नाकाम हो गए हो नाकाम हाँ असली बुड्ढी बैठाओ ना देखियो काम आयशात नेचुरल परफॉर्मर अबीरा कितने घर तोड़े हैं आपने आज तक इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह
घर जाके कोट ने बुढ़िया ने फड़े होंगे भाभी बनने के लिए क्या है नजफ प्रोग्राम के अगले मरले में हमारा सेगमेंट आ रहा है जिसका नाम है बूझो तो जाने और इसमें हम सेलिब्रिटीज और गेस्ट से रिडल्स पूछते हैं और उनकी जहानत का इम्तिहान होता है लो जी अबीरा जी आज वो पता तो सानू पता बड़े जहीन ने उन्हें उठो उठा के उसे बिठा ले आज पता चलेगा खोपड़ी कितनी जल्दी तड़ी जुबान तो ठीक चलती है आप दोनों को आपको अलग से दोनों इसका जवाब दे सकते हैं ठीक है ना आप दोनों को आपके किसी मुखालिफ ने कैद कर लिया आपको शूटिंग पे पहुंचना है तानू अपने रोड शो ते पहुंचना है ठीक है ना जी बड़ा जरूरी है पहुंचना ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਖੋਲੇਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਂਬੜ ਜਿਹਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰਾ ਪਾਂਬੜ ਬਲ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਪ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜੁਲਸਾ ਦੇਗੀ ਜਿਸਮ ਕੋ ਨਾ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਹੈ कौन से रस्ते से आप निकल सकते हैं अब बंदा बालू नु यारे उरे ते ला लेगा बाकी अच्छा ए दे जेण च रखना के बालू जेड़ा है ना ए को 2 को साल दा भुखा हैगा हेलो भुखा भी है हां जी ते उने सवाल कोई नहीं सुनना ते ना उने पंजाबी आंदी पंजाबी बहुत अच्छा समझेगा भी नहीं वो बहुत अच्छा बर्बाद कर एक मिनट सारे मर्द इतने बुरे भी नहीं होते बालू अच्छा है सारे रीच इतने बुरे सारे रीच अच्छा जी दसो जी कितों निकलोगे तुसी पहले बुए चो दूसरे बुए चो या तीसरे बुए चो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पहले में आग जल रही है दूसरे में 2 बरस का भूखा रीच है और तीसरे में जहरीली बारिश हो रही है पहले तो बंदर रिच को पूछे तुम 2 साल खाता क्यों नहीं मैं रिकॉर्डिंग कैंसिल कर वो झुलस जाएंगे बिल्कुल आप समझे कि जो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा उसका जिस्म जो है वो मेल्ट हो जाएगा वैसे जैसे कैंडल मेल्ट हो जाता है। फिर मैं अक्सर पिघल जाता सर अगर रीच जो है वो उसको पंजाबी नहीं आती उसको मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा आग जो है मुझे डर लगता है आग से यही एक सेफ ऑप्शन मुझे लगा था वैसे डक देगा हमें जब अंदर कोई तो फिर हम निकल कैसे सकेंगे नाल नाल नहीं डके नहीं थैंक यू सर फॉर अरे मैं क्या मैं वजाहत कर दिया जी जी वजाहत अभी रे बताए मैं तो 3 चूज कर लिया मैंने किन्ना तो अलावा कोई और रानी सी हैगा नहीं एही रहेगा वो जेड़ा अंतरा डाक के गया सी वो हाँ। कितों नंगया सी वो अंतरी सी तोड़े ले ओही अंतरी हां वो तो चली गई वो शो करन पहुंच गई है हां उनु ते जनाब वो मिलन के की मिलदे ने तन्नू व्यूज मिलन के पता नहीं मिलियंस दे मैं आरे ला लेना बालू नु कीन मन्नो मैं निकल जाना वा किमे लाओगे यार अरे शेर सुना के शेर नहीं दो साल तो कुछ खादा नहीं तुसी गर्लफ्रेंड बना छड़ रहे हो ओदा आटा नहीं पूरा हो गया ओनू बोती नहीं रोटी चाहिए भाई हाँ जी
की करिए दोस्तों आप वन चूज कर नजर चूज बताएं मैं साड़ के काली हो जाना नजर आप भी बता दें कर लें मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करनी चाहिए क्योंकि तुम भी साड़ के काला होना चाह रहे हो नहीं वो मेरे थर्ड वन थर्ड ही है ना बारिश है हां इन्होंने फर्स्ट कर लिया फर्स्ट कर लिया वो साड़ के काली होना चाह रही हैं आप क्या होना चाह रही हैं थर्ड वन अच्छा आप पिघलना चाह रही हैं ए बिलाल साहब वाले रास्ते तो जाना चाह रहे हैं ये दोनों थर्ड से जाना चाह रहे हैं सर हम कभी कभी बहुत थर्ड क्लास हो जाते हैं आपको घर जाके भी सुनने को मिलेगा सेफ वन सेफ वन हाँ जी दसो यार मुकाइए नो अगे चलिए रिच मेरा पक्का हो गया अच्छा देखो मैं तुम दसना फर्स्ट जो तुसी इस करके नहीं जा सकते कि पामड़ बलदे पे ने ठीक है ना तुसे तो सुहा हो जाना है हाँ जी और थर्ड जो इस करके नहीं जा सकते कि भाई तुसी पिघल जाना है हाँ जी सेकंड जड़ा है ना वो पालू जड़ा है रिच जड़ा है वो दो साल तो भुखा है दो साल तो भुखा को जी सकता है ओ मर गया हुआ वो रफ्तार ना जुबान चलती है ये क्यों नहीं चलता मैं हमारी हार के लिए ताली बहुत अच्छे वीरा नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं हमारे साथ मौजूद हैं दो मासूम और खूबसूरत लोग खूबसूरत इंसान खूबसूरत गेस्ट अबीरा खान और बिलाल कुरैशी आप देख रहे हैं जबरदस्त वेलकम बैक नाज़रीन वेलकम बैक जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद हैं अबीरा खान इन वन एंड ओनली बिलाल कुरैशी क्या है नजफ प्रोग्राम किस पर ले नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है तो देखते हैं कि पब्लिक बिलाल और अबीरा के बारे में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है बिलाल सुना है आप बहुत फैमिली मैन हैं क्या कभी बर्तन या कपड़े ना धोने पे भाभी ने आपको धोया है फर्स्ट ऑफ ऑल यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ फैमिली मैन और सर मैं बर्तन भी धोता हूँ कोविड में हमने वैसे ही जो हमारी काम वाली थी उनको ऑफ कर दिया जैसे आपको तो मैं बर्तन भी धो लेता हूँ और क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है मैं अमेरिका में रहा हूँ मेरी अम्मी ने मुझे सारे काम सिखाए मैं कपड़े भी धो सकता हूँ सवाल ये था क्या उन्होंने कभी आपको नहीं 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 बेगम ने नहीं कभी मौका ही नहीं दिया मैंने हाँ कभी ऐसा मौका नहीं दिया पकड़ा ही नहीं दिया सर नहीं मैं अच्छा घरेलू इंसान काम कर रही हूँ तो अंदाजा हो रहा था जिस किस्म की गुफ्तगू आज आपने नजर से की है जी जी वो नजर है मुझे लगता है आज धुलाई होने वाली है नहीं 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 इंशाल्लाह आई विल बी सेफ मैं अभी तक तो नहीं धोया वसी शाह साहब के शो में आके जबरदस्त ना हो जाए हाँ जी देखते हैं पब्लिक और क्या कह रही है बिलाल साहब सारी दुनिया मानती है कि आप बहुत शरीफ हैं क्या ये बात आपकी बीवी भी मानती है या वही किल किल जो हर शोहर का नसीब है सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि दुनिया कौन मानता है कि मैं शरीफ हूँ मैं और मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ जितना कि ज्यादा हो गया देखिए जी मुझे लग रहा है बिलाल कहेगा नहीं यार मैं शरीफ नहीं हूँ हाँ, पहली बार हो रहा है कि शरीफ सुनकर अच्छा नहीं लग रहा इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि मैंने जब अपनी बेगम के साथ हम लोग एक प्रोजेक्ट में मिले थे एंड आई ट्रीटेड हर वेरी नाइसली वेरी यू नो तमीज़ और तहजीब से जैसे अगले प्रोजेक्ट में हम हस्बैंड एंड वाइफ बने और मैंने उन्हें प्रपोज कर दिया तो कहती मैं तो आपको बड़ा शरीफ समझती थी मैंने कहा शरीफ हूँ तभी तो प्रपोज किया है शादी के लिए तो जी तो सवाल उनका ठीक है ना उनका सवाल ठीक है तेरा काम मेरा काम एक जैसा सनम कौन सी बीवी शरीफ समझती है हाँ जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अबीरा आपकी पंजाबी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप मुझे मायरा खान की फिल्म का डायलॉग ज़रा यूं बोल कर सुना दें वे मौलिया मैं तेरी कच्ची पक्की मशहूर हूँ वाह 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 इंटरेस्टिंग कच्ची पक्की मशहूर जी वे मौलिया मैं तेरी कच्ची पक्की मशहूर वेल डन वे मैं तो तेन फैन समझा सी डायलॉग सी कला अच्छा नाज़रीन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिलाल अगर आपको मलाइका अरोरा के साथ आइटम सॉन्ग की ऑफर आए और साथ आपको 10 करोड़ रुपए मिले तो क्या आप ये ऑफर कबूल करेंगे क्या आप अपनी वाइफ को मना लेंगे यस करोड़ ना मैं 1 करोड़ मिलेगा मैं कर रहा हूं 10 करोड़ की है यस 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 और बस के ऊपर हो है जी ये खड़ी हुई करके
जिनके सर हो इश्क की छां चल चाहिए 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 क्या कहने वेल आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि एक्चुअली मुझे ये एक्टर बनने का जो कॉन्फिडेंस मिला है ना वो इस गाने से मिला है मलाइका अरोड़ा को देख नहीं नहीं शाहरुख खान इस गाने से मेरी मेमोरी है सर मैंने अमेरिका में आई वाज देयर आई वाज टीनएजर तो वहां पे एक कम्युनिटी गैदरिंग थी उस पर परफॉर्म करना था तो मुझे मेरे भाई और दोस्तों ने कहा कि ये परफॉर्म अच्छा 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 तो मैंने जिंदगी में जो पब्लिकली सबसे पहले परफॉर्म किया था वो इस गाने पे सो दैट्स व्हाई आपने स्टेप्स शाहरुख वाले किए थे मलाइका वाले किए थे ये अच्छा क्वेश्चन ये सर डेफिनेटली अब मलाइका वाले और शाहरुख वाले क्यों जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं पब्लिक और क्या कुछ जानती है और जानना चाहती है फिलहाल साहब तुसी एक्टिंग भी करते हो मॉडलिंग भी करते हो होस्टिंग भी करते हो कोई काम तो दूसरा वास्ते छोड़ दो ते आप कोई काम नहीं करता कुछ करया कर आप सिर्फ गुस्सा करता है देखिए जी ना मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर हूँ ना बहुत बड़ा मॉडल हूँ ना बहुत बड़ा होस्ट हूँ आई एम एन एवरेज आर्टिस्ट तो मैं सबके लिए मार्जिन छोड़ता हूँ एक्टर यहाँ मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग आपको इस वक्त हमारे शो में भी नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया में इसका ट्रेंड है यस 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 लेकिन आपके लिए काम छोड़ा है मैंने तुसी क्रिकेट ही खेलो जिथे करण वाले बनो है हां करण वाले बनो जी जैसा आपका मिजाज है अबीरा लगता नहीं कि आपने कभी खाया है गूंद कदीरा आहा वाह रे वाह मतलब मेरा मिजाज कंजदा होया फिर दसियो मेनू जरा ओ कहना चाह रही है कि स्यापे जी तुसी पांदे हो लोकां दे तोड़वांदे हो रिश्ते ते तुहानू गूंद कदीरे दी जरूरत है अगला खादा ताड़ा तड़वाना मैं अगला याद रखियो भजन भजन कैसी गल है ओए चाह भी रहे ने कहीं नहीं जाइएगा आप देख रहे हैं जबरदस्त हमारे साथ मौजूद है बिलाल कुरैशी हमारे साथ मौजूद है अबीरा खान छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद हैं अबीरा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बिलाल कुरैशी बिलाल एक सेंसिटिव आदमी हैं आप खूबसूरत इंसान हैं और पढ़ने लिखने से आपको शगफ है एक हसासियत है आपकी तबीयत में सब जानते हैं बात कोई ऐसा रिग्रेट ज़िंदगी में कोई ऐसी महरूमी कोई ऐसा गिल्ट इस पर अफसोस होता हो गया और काश ये ज़िंदगी में ना हुआ होता मेरे ख्याल से हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए तो आपने जो गुस्से का कहा ना काबू का मुझे शेर याद आया उस पर उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता वाह उबलते पानी में क्या बात चेहरा नजर नहीं आता तुम्हारा गुस्सा जब उतरे तो फैसला करना वाह वाह कहने वेरी नाइस ये क्या आपने सारी बात को एक शेर में कह दिया बहुत आला मैं यू मस्ट अप्लॉड तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा माजी में कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि गुस्से की वजह से हुआ और मैं रिग्रेट करता हूं और प्रोफेशनली भी मैंने कई जगहों पर गुस्से में आकर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो बाद में मुझे लगा कि शायद मुझे कंट्रोल कर लेने कंट्रोल तो बेसिकली लेकिन आप इतने गुस्से वाले लगते तो नहीं हो गया तो जो लगता नहीं वो बहुत होता है अच्छा मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि मैं भी फिर तबस्सुम है लबों पे रक्सा यानी कोशिश है गम छुपाने की मेरे अहबाब ये समझते हैं मुझे आदत है मुस्कुराने अबीरा जी तानू आंदा गुस्सा बहुत घट गुस्सा बहुत घट आंदा अच्छा तानू तुसी ठंडे मिजाज दे हो हां जी अगर कोई गलत गल करे ना हुन जिसे मेरे शो च मुंडे आंदे ना अपा ओ शेवा कैमरे च नहीं दिखा सकदे क्योंकि सैटेलाइट चैनल ते नहीं चलदियां हुन ओ जड़ियां गल्लां कर चुके हुन उदो मेनू फुल गुस्सा आया अच्छा मेरा कड्डन दा तरीका ते मैं जुगता मारनी आ ओरे मुंह ते शुरू होए ना ओरी लुक ते कई लोग कहंदे बिस्ती बहुत करदी है बीरा जान नहीं छड़दी उन्हां ने ए नहीं पता कि रीजन की है रे पिछे मैं गुस्सा काट रही हां क्योंकि उन्हां ने गल इह जे कीती लेकिन तू समझदे हो ए लोकां दे चेहरे दे उत्ते लोकां दे वजूद दे उत्ते गल करना ठीक हुंदा है ठीक नहीं हुंदा सर पर इह जे फिर बाज भी ते नहीं आ लेकिन तू समझ दे होगे इनू अवॉइड करना चाहिए कि भी तू एनजे है सर तो चंगी गल नहीं है ए चीज ने अवॉइड करना चाहिए वा हां लेकिन आवाज नहीं आंदे उस तो बगैर असी आवाज नहीं आंदे मुंह निकल जांदी सर कोशिश करते
अगले सेगमेंट की तरफ बढ़िए। हमारा अगला सेगमेंट है गुगली। गुगली जनाब, तो आप दोनों गुगली के लिए तैयार हैं? गुगली दा पता तानू की हुंदी? सर मुझे तो अब्दुल कादिर साहब याद आ, द लेजेंड अब्दुल कादिर साहब। ते अबीरा जी, तानू पता गुगली किनू कहंदे ने? थोड़ा दसो तो सही। चुगली दी छोटी भैण होंदी। फिर भी कहंदी हुंदी आ सियापे वर्गी हुंदी। नहीं नहीं, लेट मी टेल यू, इधर जा रही है, इधर जा रही है। उसके बाल थोड़े से करली होते हैं यहाँ से। हाँ जी, सब रंग का दुपट्टा होता है, फुल बूटे वाला पिंक गुलाबी सूट होता है। गुगली जड़ी है ना, वो घूमदी बॉल नु कहंदे ने। पहली गुगली की तरफ। ये चारों बड़े नामवर अदाकार हैं पाकिस्तान टीवी के इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री के। वहाज अली हैं, अदील चौधरी हैं, बिलाल अब्बास हैं और फिरोज खान हैं। गुगली ये है कि इनमें से लुक्स के हवाले से और एक्टिंग के हवाले से कैसे आप रेट करेंगे इन चारों को? जी अभिरा जी, लेडीज, सोना सब तो केड़ा है, अदाकार केड़ा सोना बेहतर है? बिलाल केड़ा है? तो चार चार तुसी इशारा कर रहे हो, एक दा एक दा। उन्होंने कहा बिलाल सबसे प्यारा है। हां बिलाल केड़ा नहीं, जेड़ा सब तीजे नंबर ते बिलाल सोने दी एंड टोन कीती जिन्ना ने ना एंड विंगी टोन कीती। हां जी, ओ ये तानू सोना लग रहा है। हां जी, ये तुहाडे साहब नाल अबीरा दे साहब नाल बिलाल जेड़ा नंबर 1 सोना है। हां जी, ओके। उस तो बाद नंबर 2 तानू केड़ा सोना लग रहा है? नंबर 2। अच्छा, तुसी तुसी इहदे विच ता बिलाल कुरैशी साहब नू भी शामिल कर लो। हुण दसो, ये 5 ने बिलाल कुरैशी, आप बताओ। सर मैं लुक्स पे नहीं, एक्टिंग पे ही बता सकता हूँ। दोनों में बताए ना यार। लुक्स में वहाज, बिलाल, फिरोज एंड अदील। अदील, अदील आपको बहुत ज्यादा वजी हो। मैंने उसके साथ काम किया हुआ है तो इसलिए। I mean, I know him, he's okay, he's average. और एक्टिंग में? एक्टिंग में मुझे लगता है फिरोज, वहाज, बिलाल और फिर। अच्छा, तो बिलाल फिरोज आपके हिसाब से सबसे बेहतर एक्टर, पावरफुल परफॉर्मर। और सबसे वीक इनमें आपके हिसाब से कौन है? वो अदील। अदील को ना आपको आपको उसी वजाहत पसंद है ना हुस्न पसंद है ना अदाकारी पसंद है? ही इज गुड। अच्छा, बट वो मुझे थोड़ा ना इनसिक्योर एक्टर लगा क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। तो कैसे आपने महसूस किया कि वो इनसिक्योर? सर वो जब हम सीन्स कर रहे होते हैं ना कोई एक्ट्रेस के साथ, तो वो पता चल जाता है आपको कि कौन जो है वो किस तरह है। तो वो आई मीन ही इज गुड, ही इज वेरी गुड, बट मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया। तो वो थोड़ा इनसिक्योर मुझे फील हुआ मेरे साथ जब उसके सीन्स थे। अब सीन्स लिखे होते हैं, उसमें आपने परफॉर्म करना है, आप अपनी परफॉर्मेंस एक्सप्रेशन से। मैं उस पर बिलीव नहीं करता कि खा जाओ पी जाओ नहीं, कुछ भी। और दोनों सीन, मिला के सीन। आई डोंट बिलीव इन मी, आई बिलीव इन वी। तो स्क्रीन पे जो है इस वक्त हम सबका शो है ना। हाँ, मेरा या आपका है, किसी एक का तो नहीं होगा। तो वो थोड़ा मुझे, हम में से कोई भी डाउन होगा अगर तो हम उसको लिफ्ट अप करेंगे, शो डाउन हो जाता। नहीं, हम उसको लिफ्ट अप करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो पूरा शो डाउन। तो मुझे ये होता है कि बड़ा वो कॉन्फिडेंट आपको अपने ऊपर होना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए अगर कोई सामने अच्छा गड़बड़ कर देते थे। नहीं, वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाता था। अगली गुगली की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये ताड़ा वाह हूँ। ए ताड़ा, तुसी इत्थे क्या उत्थे क्या है? नहीं, आहा ताड़ा वा मतलब कुड़ियां आ गईयां ना जी। कुड़ियां सारियां साडियां ही ने। हां जी, सही कह रहे हो। अच्छा भाई, ये अगर एक्ट्रेसेस न होती तो क्या होती? ये हैं नाज़िश। नाज़िश जो है ना, ये बैंकर होती। बैंकर होती है। हाँ, वो हमारे शो में भी उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत शौक है। अच्छा, पैसा, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है और बड़ी उन्होंने कहा था कि मुझे पैसा बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसका शौक है। एंड शी हैज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, आई मीन वेरी प्रेजेंटेबल, शी नोज हाउ टू टॉक एंड यू नो हाउ टू मैनेज एंटरप्राइजिंग। क्योंकि मैंने अपनी बेगम के लिए बर्थडे के गिफ्ट लेने थे, उनको सरप्राइज करना था, तो मैं जाता, पता ना चल जाए कराची में हम गए, तो मैंने नाज़िश के हवाले ये जिम्मेदारी। आपने बेगम को बताया था कि नाज़िश ने पसंद किया? जी जी, बिल्कुल बताया था। नाज़िश को मैंने कहा था कि जस्ट गेट, बेगम ने वो गिफ्ट पसंद किया। बेगम ने एक्चुअली एक्सचेंज करवा लिया। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि नाज़िश ने, उनकी चॉइस डिफरेंट थी, बट नाज़िश हेल्प मी आउट, तो वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ठीक है। और उसके बाद हानिया, ये क्या होती है भाई? हानिया इज अ स्वीट हार्ट ना, बड़ी बबली सी, मेरी और मेरी बेगम की फेवरेट है हानिया। हानिया मेरे ख्याल से अगर एक्टर ना होती तो हानिया समथिंग टू मेक पीपल स्माइल। अच्छा, ये किसी बहुत बबली, इनकी मुझे हरकतें बड़ी लाइवली और रहती हैं। कोई होस्ट होती है किसी लाइवली शो की? अच्छा, हाँ, जिसमें हल्ला गुल्ला होता, खूब अच्छा, एनर्जी, खूब लाइवली है, एनर्जी है। बिल्कुल। और फातिमा अफंदी?
फातिमा इट्स अ वेरी वेरी मदरहुड, मैंने इनके साथ भी काम किया हुआ है, तो बड़ी अच्छी माँ है और केयरिंग है, हाँ बड़ी अच्छी उस हवाले से। तो ये हाउस वाइफ दुर्रफिशा सलीम, इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता पर्सनली, बट शी इज वेरी डिसेंट, मुझे अच्छी लगती हैं ये मेरे ख्याल से। ये बात अबीरा को बहुत पसंद नहीं आई, जो आपने कहा ना अच्छी लगती हैं, ये भी अच्छी लगती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं, वो यही कह रही हैं। मैं ना चारों भी बहन क्या जीता है ये सभी बहन मेरी थोड़ी बुड्ढी ने मैं ही किरा कैमरा में नो देखदा पे आई के कैमरे मैं थोड़ी बुड्ढी ने ही कहना वा ये जानबूझ के होना कवर कर रहे जी। टीचर होती हैं, टीचर होती हैं दुर्रफिशा सलीम जो है ये टीचर होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगली गुगली की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी अबीरा जी, गुगली तुहाड़े लिए ठीक है ना, ये वही काम कर दिया ने बेशतर यानी कि यूट्यूबर्स ने जो तकरीबन तुसी कर दे हो। ते पहले नंबर ते है ने जी सजल मलिक, फिर इरम महमूद ने जी, अच्छा हां जी, फिर है ने जी कुरतुलैन बीबी, और फिर ने कमल आफताब साहिबा जी। इन्हां दे काम नु तुसी किवें वेखदे हो, तुहाडे हिसाब नाल इन्हां चो ज्यादा प्रिटी केड़ी है इक, और इन्हां चो काम किदा अच्छा ज्यादा ਫਸਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕੁਰਤੂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੰਗੀ ਇਹਨੇ ਘੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ ਸੱਜਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਲ ਆਫਤਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ लेकिन कंवल आफताब दा मेनू अच्छा शो लगदा सी क्योंकि ओना ने भी बड़ा अच्छा शो किता उस तरीके नाल ए नहीं कर पाईया हाले तक। अच्छा तुहाडे सामने सब तो अच्छा कंटेंट जेड़ा है ओ कंवल आफताब ने प्रोड्यूस किता। अच्छा जी बिलाल, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और अचानक आपको एहसास हुआ है कि आपकी गाड़ी नहीं है, ठीक है, बराबर वाली सीट पे ऐसा क्या रखा है, ऐसा क्या ऑब्जेक्ट है, क्या चीज़ है जिसको देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाड़ी दानिश की है या फहद की है या इमरान की है या मिकाल की है। वाओ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से जीतो पाकिस्तान का पास पड़ा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि फहद की गाड़ी है, बिल्कुल ठीक है। और किसी का मोबाइल पड़ा होगा उसमें आयजा की पिक होगी तो मुझे लगेगा कि दानिश की गाड़ी है, ठीक है। मेकअप किट पड़ी होगी तो मुझे लगेगा इमरान अब्बास की गाड़ी है। और मिकाल समथिंग ब्रिटिश कुछ इंग्लिश पड़ा होगा तो मुझे लगेगा कि मिकाल होगा। आखिर में आप दोनों से एक सवाल, कड़ी गल है जी अभी कभी याद आ जाए तो अखा चो अथरू आ जाते हैं रो पे सीरियस। हाँ हाँ सीरियस और की बाबा अब जी याद आने स्वीट स्वीट किस गल तो याद आने खास मतलब बहुत सारी किस मौके पे ज्यादा याद हां हाँ जी काफी मौके होते हैं कि जी दो बाबा दी याद आंदी है ना खास तौर पे तियां नु बहुत सारे मौके बहुत प्यार सी तानू हां जी की गल अब जी दी ज्यादा याद आंदी तन मेन पुत कहंदे सी कहंदे तू ती नहीं आ मैं शक्ल भी उन्होंने रलती सी ते ना मैं पुत कहंदे सी ते अज मतलब हुण मैं भी अपने आप नूं ना मर्द समझ के सड़क ते उतरदी मैं मेरे च बुढ़िया लई नज़ाकतां नहीं होंदियां हैना एंकरां होंदियां ना कि रोड शो करदियां उन्होंने एक्शन मारने कुछ गल्लां इंज दियां करनियां ओह नज़ाकतां मेरे को नहीं होंदियां मैं लगदा कि मैं पोती आ। बिलाल कौन सी चीज इतना उदास कर देती है कि कभी कभी मुझे तो इनकी बात ने उदास कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि बाप जो है वही पहला और आखिरी हीरो होता है किसी भी बच्ची के लिए किसी भी लड़की के लिए और आई जस्ट वांट कि हम सारे अब्बू जो हैं उनके लिए तालियां बजाएं और आपके लिए। थैंक यू बिलाल, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। अबीरा जीते रहो हैं, बसते रहो, तरक्की करते रहो हैं, हंसते रहो हैं, थैंक यू सो मच। वो वालिद का जिक्र हुआ तो सुना, तो वालदा वालिद एक ही यानी कि सब एक ही यानी कि मुख्तलिफ रूप हैं मोहब्बतों के छाँव के। तो एक नज़्म जो मैंने अपनी वालदा के लिए लिखी थी वो वालिद को भी हम डेडिकेट कर देते हैं। ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे क्या बात, ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी
सबब मैं हूँ, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है, और तुम्हारे या तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। जबरदस्त, क्या कहने, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।